नमस्कार मेरे प्यारे ज्वेलर्स, और स्वागत है आपका आज के सीरीज में जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग मिस्टेक्स डन बाय डायमंड ज्वेलर्स। सबसे पहली मिस्टेक जो ज्वेलर्स करते हैं इज दैट दे वांट टू फोकस ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, दे वांट टू रूल एवरी प्लेटफॉर्म। तो एक जगह पे फोकस करने के बजाय ज्वेलर्स को हर जगह पे झंडा गाड़ना होता है, टम्बलर पे, पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एवरीवेयर। आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है और उसे ROI के लिए ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, हर जगह की वेशभूषा भाषा अलग होती है, तो जिस भी जगह आप जा रहे हैं अगर आपको वहां के लोगों का दिल जीतना है तो आपको सबसे पहले उनकी भाषा में बात करना होगा, तभी आप उनका दिल जीत पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हांगकांग। जितने भी ज्वेलर्स हांगकांग के शो में जाते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि जो इंडियन फूड है उसकी अहमियत क्या होती है, और इंडियन फूड खाकर आप बहुत लंबे समय तक वहां पर नहीं टिक पाएंगे। तो अगर आप फेसबुक पर एक पेज बना रहे हैं मगर आप फेसबुक के एल्गोरिथम के अनुसार अगर आप निरंतर कॉन्टेंट क्रिएट और डिलीवर नहीं कर रही है तो फेसबुक पर ग्रो होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी फेसबुक पर आज के टाइम में जो उसकी रीच है इट इज लेस देन 0.5%। इफ आई हैव टू गिव यू अनदर एग्जांपल, व्हाई डोंट यू गो टू केरला। अब चले जाए केरल, तो केरल में अगर आप रहते हैं और अगर आपको वहाँ की जो लोकल भाषा है मलयालम अगर वो आपको नहीं आती है तो वहाँ पर भी रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपको उसकी भाषा में पहले बात करनी है ताकि उस प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से ग्रो हो सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 10 जगह मुंह मारने से अच्छा है कि आप एक का ख्याल रखें और वहां से आपको रिटर्न्स मिलते रहें। समझ रहे ना मेरी बात को। दूसरी गलती जो मेरे प्यारे ज्वेलर्स कर रहे हैं वो है इंसान के चेहरे को ना यूज करना। दे आर बीइंग अ फेसलेस ब्रांड विथ नो ह्यूमन टच। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट पीपल कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो एक इंसान के चेहरे की बहुत अहम ज़रूरत है, इसका होना बहुत अनिवार्य है। सोचिए अगर मुझे आपको किसी एयरपोर्ट की मार्केटिंग करने का जॉब देना है तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे एयरपोर्ट की? व्हाट विल यू शो? एयरक्राफ्ट, टेक ऑफ, लैंडिंग? अगर आपको जानना है तो आप चेंगी एयरपोर्ट का इंस्टाग्राम हैंडल चेक करिए, मैंने नीचे लिंक में डाल दिया है। कितनी सुंदरता के साथ उन्होंने इस ह्यूमन टच को यूज किया है अपनी प्रमोशंस में। द थर्ड मिस्टेक दैट ज्वेलर्स डू इज दैट दे टेक द कमेंट्स आइदर वेरी सीरियसली और नॉट एट ऑल। आप जब भी कोई कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं तो पहली बात क्या आपको कोई कमेंट्स आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो या तो आप उनको सीरियसली बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और आप रिप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो वाणी होती है उससे उसकी जो पर्सनालिटी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो एज अ ब्रांड आप जो भी कम्युनिकेशन कर रही हैं, आप जो भी कमेंट्स को रिप्लाई कर रही हैं, तो वहाँ पर आपकी जो ब्रांड की पर्सनालिटी है वो झलकेगी। आपकी जो ऑडियंस है वो ये देख रही होती है कि क्या आप उनके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए परवाह करते हैं, और अगर आप उन्हें कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए परवाह करते हैं तो आपकी ऑडियंस एज अ ब्रांड आपको और ज़्यादा पसंद करेगी। और अगर आप कमेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉर्मली रिप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग सोशलाइज करने के लिए आते हैं, नॉट टू अटेंड योर कॉन्फ्रेंस मीटिंग। तो अगर आपके टीम में कोई मेरे जैसा ह्यूमरस बनता है तो आप ह्यूमर के साथ भी रिप्लाई कर सकते हैं, सामने वाले को ज़्यादा मज़ा भी आएगा और वो आपके ब्रांड को थोड़ा और याद रखेगा। अक्सर कई बार आपने देखा होगा वेन एवर यू कॉल अ कस्टमर केयर सर्विस तो नॉर्मली जो पर्सन होता है वो ऐसे बात करता है, नमस्कार सर, क्या मेरी बात अमनदीप जी से हो रही है? जी धन्यवाद सर, बताना चाहेंगे कि आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। तो अगर एज अ ब्रांड आप इतने ज़्यादा फॉर्मली बात करेंगे तो एज अ टू अ यूज़र ये चीज़ बहुत बोरिंग साउंड करेगी। अगली गलती गलती नहीं है बल्कि क्राइम है जो मेरे प्यारे ज्वेलर्स कर रहे हैं, और वो ये है कि वो क्रिएटिविटी और क्वालिटी फोटोग्राफी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। देखिए, इफ़ कंटेंट इज़ द किंग देन क्रिएटिविटी इज़ द क्वीन। कितनी बार मैं समझा समझा कर थक चुका हूँ
कि घिसे पीटे पोज डालना बंद कर दीजिए। लाइफ में कोई भी चीज अगर आप नाम के लिए करते हैं तो वो बेमतलब है, और सोशल मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। बाप मुझे बताइए, व्हाट इज अमूल नोन फॉर? ओनली फॉर इट्स बटर एंड मिल्क? इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वेरी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स। व्हाट इज ड्यूरेक्स नोन फॉर? ओनली फॉर प्लेजरेबल कॉन्डम्स? इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वेरी क्रिएटिव सोशल मीडिया। व्हाट इज दैट ऑफ कैट नोन फॉर? जस्ट रेंडरिंग एंड डिजाइंस? नो, इट्स ऑल्सो नोन फॉर अवर वेरी क्रिएटिव माइंड। कभी मैं मोदी बन जाता हूँ तो कभी अर्नब गोस्वामी। क्यों, मुझे कोई शौक है? जी हाँ, मुझे शौक है। अगर मैं क्रिएटिव हूँ तो विल शो माई क्रिएटिविटी, हक बनता है मेरा। और आप तो फिर भी ज्वेलर हैं, ज्वेलरी इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड योर सोशल मीडिया डिजर्व्स टू बी क्रिएटिव। अब बात करते हैं फोटोग्राफी के बारे में। भाई ऐसे ऐसे मैंने नमूने लोग देखे हैं कि कास्टिंग के बाद पांचों उंगलियों में रिंग को डाल लेते हैं और प्रेजेंट करते हैं। अरे भाई, कम से कम जो नाखून है, प्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, जो हाथ के नाखून है उसमें जो तुम्हारा ब्लैक रोडियम है, कम से कम उसको तो साफ कर लो भाई। आप डायमंड ज्वेलरी बेच रहे हैं, आप हाईवे पर मूंगफली भी सेल कर रहे हैं। और सेलिंग को छोड़िए, फोकस ऑन दी प्रेजेंटेशन। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग रेंडरिंग को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप व्हाई आर यू स्टक ऑन फोटोग्राफी? अच्छा ठीक है, मान लिया कि आपको वहीं पे अटके रहना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, पर जो फोटोग्राफी आप करवा रही हैं कम से कम वो तो अच्छी करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे रेंडरिंग सर्विस लीजिए, मुझे पता है कि इंडिया में हमारे जैसे गिने चुने दो तीन अच्छे रेंडर आर्टिस्ट ही हैं, मगर जहाँ से भी आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिले, चाहे वो फोटोग्राफी हो या रेंडर आर्टिस्ट, वही करवाइए। बिकॉज अच्छे फोटोग्राफ्स होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, तो सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट कर पाएंगे। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट ज्वेलर्स डू इज दैट दे प्रमोट पोस्ट रैंडमली एंड दे डू नॉट फोकस ऑन बिल्डिंग एन ऑडियंस ऑनलाइन। देखिए, ज़करबर्ग भैया ने एक बटन दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दबाते रहेंगे। दबाने में आपको बहुत मज़ा आता है ये मुझे पता है, मैं बूस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। जितने मेरे प्यारे ज्वेलर्स हैं वो किसी भी पोस्ट को रैंडमली बूस्ट पोस्ट करते हैं एंड दे थिंक उनके ब्रांड की प्रमोशन हो रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वो बूस्ट पोस्ट आप जैसे जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि आप बस चलते फिरते उस पोस्ट बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करें और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँ। देखिए, ब्रांड की प्रमोशन अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, और ब्रांड की प्रमोशन आप इस बूस्ट पोस्ट से नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव टू रन एनी काइंड ऑफ एड, यू हैव टू गो टू फेसबुक एड्स मैनेजर। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं जो कि बूस्ट पोस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप अपने ज्वेलरी ब्रांड की मार्केटिंग कर रही हैं, प्रमोशन कर रही हैं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के किसी भी कंसल्टेंट से सबसे पहले आप कंसल्ट करिए। आप चाहे तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, आप जो कोई भी आपका कोई एक्सपर्ट हो, आप उससे एक बार पहले कंसल्ट ज़रूर करिए। तो अगर आप अपने ज्वेलरी ब्रांड की प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप चाहे तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिया है। नहीं तो इस इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपर्ट हो जो मार्केटिंग में अच्छा हो, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज बिफोर प्रमोटिंग एनी ज्वेलरी ब्रांड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट। अगली गलती जो ज्वेलर्स करते हैं वो ये है दैट दे आर नॉट एट ऑल स्पॉन्टेनियस ऑन सोशल मीडिया। जब भी कोई ट्रेंड बिल्ड होना शुरू होती है तो अपने जो प्यारे ज्वेलर्स हैं वो वेट करते हैं कि उनसे पहले जो बाकी ब्रांड्स हैं उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर कॉन्टेंट बनाएं। अभी हाल ही में कॉन्टेंट बहुत ट्रेंडिंग था, रसोड़े में कौन था, तो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर वेलवेट बॉक्स, तो अगर मुझे उनके लिए कुछ कॉन्टेंट बनाना होता तो मैं कुछ इस तरह बनाता। कल अपनी सालगिरह पे गिफ्ट आया था और मैं रात को सोने चली गई थी, तुम से चढ़कर मेरे पास गिफ्ट लाए थे, तो गिफ्ट में क्या था? हाँ, क्या था? रिंग थी, पेनिन थी, क्या था? हाँ, क्या था? ये सॉलिटेयर थी, वेलवेट बॉक्स से खरीद लिया और खराब मूड को बना दिया, ये सॉलिटेयर थी, वेलवेट बॉक्स से खरीद लिया और मेरे खराब मूड को बना दिया। अगली गलती जो हमारे प्यारे ज्वेलर्स कर रहे हैं वो ये है कि वो दूर की नहीं सोचते, वो सिर्फ फ्रेश कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं और उन पर नहीं जिनकी लंबी जीवनावधि है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन कंटेंट दैट इज फ्रेश एंड नॉट द वंस व्हिच हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। फॉर एग्जांपल, आप हर महीने पेंडेंट्स और इयररिंग बनाने पर फोकस करते होंगे, पर जो एंगेजमेंट कैटेगरी के डिज़ाइन हैं जैसे कि सॉलिटेयर रिंग्स, इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है और ये काफ़ी बिकते हैं, खासकर वेडिंग सीजन में, और वेडिंग सीजन तो आपको पता ही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अगर आप ऐसे चीज़ों पे अगर एफर्ट देंगे तो आपको लंबे समय तक आउटपुट मिलता रहेगा।
तो मेरे प्यारे ज्वेलर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सोशल मीडिया मिस्टेक्स के बारे में आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। एक छोटी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मुश्किलों के बाद आफ्टर लॉट ऑफ चैलेंजेस मैंने इस वीडियो को बनाया है, बिकॉज आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों के सामने नहीं आ पाया हूँ बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ ब्रीदिंग चैलेंज। मगर उसके बावजूद भी मैंने इस वीडियो को बनाया है और उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो अगर आप मेरे इस योगदान को थोड़ा और प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने किसी भी फ्रेंड जो कि ज्वेलर है, जो कि आपके फ्रेंड है जिनसे आपको कोई जलन ना हो, आप उन तक शेयर करिए ताकि हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को नॉलेज मिलती रहे और हमारे ज्वेलर्स आगे बढ़ते रहें। अपनी टीम के साथ मैं हूँ गौरव सिंह, आपसे फिर मिलूँगा मगर इस बार बहुत जल्द। धन्यवाद।